हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह। और हां फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज है अक्टूबर और आज है 26 अक्टूबर। और आज देखिए, आज भी मेरे एडेनियम कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको आज कैलेंचो की कटिंग रिपोर्टिंग और उसके बारे में ढेर सारी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पिछले साल के कैलेंचो हैं और देखिए कितने भर भर के फूल आए हैं। दो पॉट में लगे हुए हैं और देखिए कितने रेड कलर के हैं। ये देसी कैलेंचो हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये फ्लावर 1 महीने तक चलते हैं। तो बस इसी की मैंने कटिंग लगा ली है और इस साल भी ढेरों फूल आएंगे। तो अगर आपको ढेरों फूल चाहिए तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे आप। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं कलंचों की कैसे रिपोर्टिंग करूंगी और लगाऊंगी, वही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ढेर सारे मैंने कलंचों की कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हो। तो और इधर ये जो है मेरी, ये देसी कलंचो है, आप देख सकते हो। और ये मेरी हाइब्रिड वाली, इसमें दो कलर है, एक येल्लो और एक ऑरेंज है। पिछले विंटर सीजन में मैंने वीडियो भी शेयर किया था, आप जाके देखना। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सॉइल में लगी हुई थी और इसकी सॉइल भी नीचे से थोड़ी सी गिर रही है। तो आज मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगी, इसलिए मैंने इसको उठाया था एक जगह से, एक ही जगह पे रखी हुई थी। तो चलिए, आज हम बताते हैं अब हमें करना क्या है। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने सॉइल ले ली है। तो इसमें मैंने 40% लिया है गार्डन सॉइल और 40% मैंने इसमें कॉडंग लिया है। आप उसमें बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, किचन वेस्ट भी ले सकते हो, आपको कोई एक खाद ले लेनी है। तो मैंने कॉडंग लिया है, मैं ज्यादातर वही गोबर की खाद ही यूज करती हूँ। और 10% मैं इसमें लेने वाली हूँ सैंड। तो ये जो है ना, इसको बहुत बजरी भी बोलते हैं। तो ये सैंड क्या है, जो हम सैंड को चालते हैं ना, चलने के बाद इसमें से ये मोटे मोटे कंकड़ जो आते हैं, वही ये है। आप इसके जगह पे आप नॉर्मल सैंड भी ले सकते हो, पतली वाली। तो मैंने ये लिया है, मेरा अभी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, आपको पता ही है, तो मेरे पास ढेर सारी पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने ले लिया है। क्योंकि इससे ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है और कलंचों के लिए सैंडी सॉयल बहुत कलंचों पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से होती है। और हमारा आराम से पानी भी इसमें से, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद मैं इसमें करीब 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें ये आपको जो है नीम खली जो है ये मैं मिला दूंगी, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, करीब 2 से 3 मुट्ठी इसमें मैं ये दे दूंगी। नीम खली से क्या होता है कि फंगस वगैरह, और देखिए नीम खली के पैकेट में क्या था, तो उससे क्या होता है कि 2 से 3 मुट्ठी मैंने दे दिया, तो इससे इसमें फंगस वगैरह लगने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से फंगस नहीं लगते हैं। और उसके बाद इसमें आपको कोई भी फंगिसाइड पाउडर दे देना है। तो मैं फंगिसाइड पाउडर बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मैं चीप एंड बेस्ट गार्डनिंग यूज करती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, उसके बाद फिर इसको मिला लेना है। तो मैं ज्यादातर हाथ ही यूज करती हूँ, मुझे बहुत वीडियो में भी बोलते हैं कि आप ग्लव्स वगैरह यूज करो, तो ग्लव्स वगैरह से मिलाने में नहीं होता है, तो मैं हाथ ही यूज कर लेती हूँ और फिर अच्छे से हाथ को। और फिर मैंने ये देखिए सेंट, तो मैंने मिलाया नहीं, तो ये मैं सेंट मिला दूंगी इसमें, ठीक है। और इसको बस हमें अच्छी तरह से इसको मिला लेना। तो मेरे हाथ में एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से मिला रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं दोनों हाथों से मिला लेती हूँ, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने टब से जो है मिट्टी जो है वो नीचे कर दी, टब में मुझे मिलाने में ही नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको नीचे डाल दिया और नीचे डाल के अच्छी तरह से इसको मिला लिया मैं बिल्कुल। मिट्टी वगैरह बहुत कोई है कि छानते हैं ये वो, मैं वो सब कुछ नहीं करती हूँ, मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, पानी पड़ेंगे तो ये खुद धीरे धीरे अच्छी तरह से मिल जाएंगे, तो उसको छानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसी गार्डनिंग करती हूँ और मेरे फ्लावर्स आप देखते हैं कितने हेल्दी और कितने अच्छे रहते हैं। तो बस इसको अब हमें क्या करते हैं,
अब बस इसको मैं अपने पॉट में डाल लूंगी। तो देखिए, अगर आप प्लास्टिक पॉट यूज कर रहे हैं तो इस टाइप के, तो इसमें मैंने 4 होल किए हुए हैं और इसमें आप कपड़े डाल देना, ऊपर से कपड़े डाल दो। या कपड़े डालने से क्या होते हैं ना कि सिर्फ पानी बाहर जाते हैं, मिट्टी साथ में नहीं जाती है। और या तो फिर आप इसमें जो पत्थर वगैरह कुछ भी इसमें आप डाल सकते हो। तो मैं इस बार ये पॉट यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने इस बार ये पॉट आपको दिखाए थे कि मैंने 7 और 8 इंच के ये मंगाए थे और इसमें बहुत अच्छे से प्लांट लगते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, और इसमें काफी सारे होल रहते हैं। तो इसमें आपको कपड़ा वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे गुलदावदी के प्लांट इसी के 8 इंच में लगे हुए हैं, आप देख लेना वीडियो मेरा जाके, जरूर देखना आप। तो इसमें से बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं और इस पर मैंने ढेर सारी बनाई थी, इसकी भी वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख लेना मेरे चैनल पे जाके। बस इसमें ही मैं प्लांट लगाऊंगी, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें हमें मिट्टी भर लेना है अच्छी तरह से, इससे मिट्टी वगैरह कुछ भी बाहर नहीं जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको, ये मेरी देसी वाली कलंचो और ये हाइब्रिड वाली कलंचो, दोनों मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, और ये भी मेरी सैंड में ही लगी हुई है, आप देख सकते हो। और ये मैंने लास्ट में बाद में लगाया था गुलदावदी, तो वो है 70। तो मैं इसको सोच रही हूँ जमीन पे लगाऊंगी या कहाँ लगाऊंगी, अभी सोचा नहीं, क्योंकि ढेर सारे मैंने रिपोर्टिंग कर ली है, इनको अभी इसी में रहने दिया है। तो चलिए, गुलदावदी की बात हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए पहले मैं कलेंचो निकाल लेती हूँ। तो सैंड में लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपका निकल जाएगा। आप थोड़ी सी पानी देके अच्छे से निकालना, मेरे हाथ में एक कैमरा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक ही हाथ से निकाल रही हूँ। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छी तरह से इसके रूट डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको इसमें लगा दूंगी। तो एक हाथ से लगा रही हूँ, एक हाथ में कैमरा आपको दिखाने के लिए। आप दोनों हाथों से लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाएंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है लगाने में। तो चलिए मैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छी तरह से इसको हमें लगा देना है। मैं गार्डनिंग बहुत ही ज्यादा, मैं महंगा गार्डन मतलब ज्यादा मैं महंगा आप कह सकते हैं, मैं ज्यादा महंगाई गार्डन में यूज नहीं करती हूँ। ज्यादा महंगा भी लोगों को फिर लगने लगता है, इतने महंगा मीन्स गार्डनिंग है तो कौन करेगा, नहीं करेगा। तो आप चीप एंड बेस्ट में भी गार्डनिंग कर सकते हो। और चलिए मैं अब हाइब्रिड वाले निकाल के आपको लगाती हूँ और मैं इसके अपडेट भी आपको देती रहूंगी। तो चलिए, सैंड में लगा हुआ है तो ईजिली ये देखिए निकल गया, और इसके भी देखिए। तो बस हमें ऐसे करके इसे थोड़ी सी सैंड देके लगा लेनी है। तो मैं सारे प्लांट आपको लगा के, सारे मैं कलंचो के प्लांट लगा के फिर आपसे थोड़ी ही देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक पत्ते से देखिए कलंचो की कटिंग लगाई थी, और देखिए कितने अच्छे रूट्स आ गए हैं, आप देख सकते हो। और इसमें एक न्यू प्लांट निकला, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरी सैंड में जो लगी हुई थी, जो मैं अभी निकाल रही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो देखिए, एक एक पत्ते से मैंने कलंचो ढेर सारी मैंने एक एक पत्ते डाल दिया था और सभी से हो गई थी। तो ये देखिए, देख रहे हो रूट्स, आप कितने अच्छी तरह से रूट्स आई हैं। तो ये देखिए, ये जो है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखिए। तो ये जो है, ये एक मैंने पत्ते लगाया था, उसके साथ ये न्यू बेबी प्लांट हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, एकदम इजिली किसी भी चीज से तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी की सारी मेरी जो भी थी कलंचो, तो सभी को मैंने रिपोर्ट कर दिया। और मैंने एक एक प्लांट ही लगाया था पहले, और उसके बाद मैंने किसी किसी में 2 लगा दिए हैं और किसी किसी में मैंने 3 भी लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पॉट है नहीं और मैं 14-15 ही पॉट सोच रही हूँ कि कलंचो को दूं, क्योंकि अभी विंटर सीजन है और विंटर के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो ढेर सारे होते हैं और बहुत तरह के आते हैं, तो उतने सारे तो हमारे पास पॉट होते नहीं है।
तो मैं सब फ्लावर को उसी अकॉर्डिंग पॉट्स दे रही हूँ। तो कलेंचो के लिए मैंने 15 पॉट 14-15 पॉट ही डिसाइड किए थे, तो मेरे सारे रिपोर्ट्स हो गए और जो बच गए हैं उसको मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। तो चलिए रिपोर्टिंग मेरे प्लांट्स हो गए हैं, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।